सात भैया सजनवा हमार, उनका मुहूर्त है आज। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं पंकज जी को, रोहित जी को प्रोड्यूसर हमारे, और कुणाल सिंह जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आकाश जी का जैसे कैरियर स्टार्ट हुआ है, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत मेहनती हैं और मैंने काफ़ी फिल्में जो मैंने गाने किए हैं आकाश जी के साथ में, तो सेट पे जाओ तो सुनने में भी आता था कि बहुत मेहनत करते हैं। एक्शन हो, फाइट, डांस हो, वो मेहनत से नहीं कतराते। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का हक है और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी टीम के साथ। अरे बहुत, डांस में तो नहीं हुआ लेकिन मेरी इच्छा है कि एक गाना ऐसा हो जिसमें मैं उनके साथ डांस करूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे डांस करते हैं। जैसे हम अवार्ड नाइट हो या कुछ भी, हम उसमें रिहर्सल करते हैं तो मैं देखती हूँ उनको काफ़ी। तो मेरी इच्छा है कि मैं एक गाना उनके साथ करूँ। आई होप कि इस फिल्म में ही हो जाए कि हम लोग साथ में गाना करें। इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए दिल से इज्जत है और वो दिल में हैं, जिसमें कानू जी हैं, कुणाल जी हैं। और आज अगर मैं मुहूर्त में आई हूँ तो सिर्फ कुणाल जी की वजह से आई हूँ। जैसे आप लोगों ने भी सुना कि अगर उन्होंने खुद बोला कि डायलॉग बोलने बोले तो उन्होंने खुद बोला ना कि जूनियर हो जाते हैं, मतलब मिमिक्री आर्टिस्ट हो जाते हैं। उन्होंने अपना एक नाम बनाया है और उनकी जगह इस इंडस्ट्री में ना कोई लिया है और ना ही कोई ले सकता है। मैंने कहा ना कि उनके लिए कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, वो हमारी सोच से बहुत ऊपर है। और उन्होंने जो नाम बनाया ना, जो इज्जत बनाई है, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा ये कर पाएगा। मैं तो बहुत तैयारी की हूँ इस बार, क्योंकि मैं इस बार होली मना रही हूँ अपने जनकवासियों के साथ जनकपुर धाम में। और तिरहुतिया गाती में हम लोगों का प्रोग्राम है जनकपुर में 1 मार्च को। और ये होली मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत यादगार होगी, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं तो जमकर होली खेलने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी साल हो गए मैंने होली नहीं खेला। और कलर बस ऐसे करके टिक्का लगा लेते हैं हम लोग, तो इस बार तो मैं खुद भी रंगूंगी और अपने दर्शकों को और अपने ऑडियंस को पूरे कलर में रंग बिरंगे करने वाली हूँ। सबसे पहले रोहित जी, पंकज जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं बहुत खुश हूँ कि कुणाल जी, ऊपर से आकाश जी दोनों, कुणाल जी को मैंने बहुत नचाया बहुत पहले और आज उनको, उनके बेटों को नचाऊंगा आकाश जी को, बहुत खुश हूँ। और सारी पूरा यूनिट को मेरे तरफ से भी ढेर सारी बधाई। सीमा तारीफ तो करेगी, क्योंकि बेटियाँ हमेशा माँ बाप की तारीफ करती हैं। सीमा तो मेरी बेटी है पहले से और अभी भी है, आगे भी रहेगी। मैं चाहूँगा हर जन्म में सीमा जैसी बेटी पैदा हो। जब मैं इसके शादी के लिए लड़का ढूंढूंगा तब बोलेंगे इससे नहीं, उससे नहीं, उससे नहीं, इससे नहीं, तब शायद मैं नाच जाऊँ। हर माँ बाप चाहता है लड़की का शादी दे देना, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अभी उसकी इच्छा है और कुछ दिन काम करे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत प्यार करते हैं, हमारा ऑडियंस बहुत लाइक करते हैं। तो हम भी चाहेंगे, कलाकार है, कलाकार को कभी कला रोकना नहीं चाहिए। वो जब तक, जिस दिन बोलेगी अभी आप कर दीजिए, बस उस दिन हम कर देंगे, तैयारी में पूरे हैं। होली के लिए ढेर सारे बधाइयां सभी को। और होली ऐसा त्यौहार हमारे हिंदुस्तान में, उस दिन तो बच्चे से बूढ़े तक एंजॉयमेंट करता। मैं हर साल होली में इलाहाबाद जाता था, लेकिन इस साल नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि 1 तारीख से मेरा बॉर्डर का शूटिंग है रायपुर। बहुत सालों के बाद मेरा होली छूटेगा इस साल। सबसे पहले हम अपना भोजपुरी दर्शक लोगों के गोड़ छू के प्रणाम करते हैं। हमें धनंजय मिश्रा और जिसने आप देखा था नहीं कि आज मुहूर्त बटे एगो फिल्म बटे जोना के टाइटल बटे साथ निभाई है सजनवा हमार। रुआ देखब टाइटल ही भोजपुरी बटे, ठेठ भोजपुरी, खाँटी भोजपुरी। तो एमा कौनो कहीं बॉलीवुड और साउथ इंडिया या और हॉलीवुड के कहीं तड़का मिली नहीं, आपके एकदम प्योर फोक गाँवटी चीज़, घर गाँव का चीज़, अपन खास खाँटी माटी का जो चीज़ बटे, कहानी में भी गाना में भी, जैसा हमने के सुनत नहीं जाए, कहानी भी सुनत नहीं जाए, बहुत बेहतरीन बटे, लव स्टोरी बटे और एकदम घर का चीज़ जो अपन अपन घर में घटेला घटना वैसन वैसन स्क्रीन प्ले बटे। और एक विशेष बात हम बताए रहे कि एक जो स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग जो लिखले बटे कपिल मुनि पंकज जी, हमने का जब बहुत छोट छोट रहने जा तब वो गाना लिखत रहें और बहुत बेहतरीन राइटर हमें। और आज उनका कलम से जब कुछ चीज़ निकली तो रुआ समझ सकत नहीं कि गांवटी चीज़ निकली, खाँटी चीज़। आइटम वाइटम कुछ नहीं खे, नौ गाना है और एगो अलग तरीका का ऐसा घटना घटता कि जौन एगो कैरेक्टर पैदा होता है और वो कैरेक्टर के लेके भी बहुत बेहतरीन कुछ चीज़ें ताना बाना जौन ओकर बुनल गई बटे बहुत बेहतरीन हुई और हमके विश्वास बटे। बाकी तो रुआ सब सामने जब आई तो रुआ देखबे करो। मेरा नाम सुप्रिया पांडे और मुझे ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी पंकज जी ने दी है। और सबसे बड़ी खास बात है कि ये फिल्म बहुत ही पारिवारिक है और मैं
सेकेंड टाइम कुणाल जी के साथ काम करूँगी. इससे पहले मैंने एक सीरियल किया था उनके साथ और सबसे माइंड ब्लोइंग है कि ये मेरे गांव में शूट हो रही है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं इसमें एक बहन का रोल प्ले कर रही हूँ. नमस्कार, मैं साइना सिंह और मैं इस फिल्म में सेकेंड लीड हूँ पंकज जी के अपोजिट. और मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कुणाल जी के साथ काम करूँगी. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरा रोल इतना बेहतरीन है. जब मैंने सुना तो आई होप कि मैं उतना अच्छा करूँ भी क्योंकि रोल बहुत ही बेहतरीन है, मूवी बहुत बेहतरीन है. और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी पंकज जी को जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे ये रोल ऑफर किया. और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं रोहित जी, सब बहुत बढ़िया हैं, टीम बहुत बढ़िया है. प्लैनेट भोजपुरी.